मैंने ऐसा, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा शायद ये सब तुमने भांग के नशे में कहा था बुलबुल, लेकिन आज तुम्हारे डर के साथ ही सच भी बाहर आ गया। और इस सच के साथ मुझे ये भी यकीन हो गया कि तुम इस रिश्ते में, इस शादी में, इस बंधन में सिर्फ जबरदस्ती हो। इन सब चीजों का कोई मायना नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, मेरा कोई मायना नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, और तुम इस शादी को, इस रिश्ते को, हमारे इस बंधन को सिर्फ इसीलिए निभा रही हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुमसे शादी को निभाने के लिए कहा है, बस। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बुलबुल। नहीं। तो बताओ, तुम मुझ में और खुद में एक तरह की दूरी हमेशा क्यों बना कर रखती हो? तू नाबालिग है बुलबुल, तुम्हारी उम्र 18 से कम है। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? तुम्हारे और मेरे सिर्फ एक होने के ख्याल से तुम इतना कैसे अपना आपा खो सकती हो कि तुमने मुझे इतनी सारी चीजें कह दी बुलबुल? वो क्या? क्या मैंने बिना इजाजत और बिना मतलब के कभी तुम्हें टच करने की कोशिश की बुलबुल? नहीं। कभी तुम्हारे बिना मतलब के तुम्हारे पास आने की कोशिश की है मैंने बुलबुल? नहीं। कभी तुमसे ऐसा कोई काम करवाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ कहा है जो तुम्हें पसंद नहीं आता हो? नहीं। तो फिर क्यों कहा बुलबुल? क्यों कही ये बात कि मैंने कुछ गलत किया? ये बात बार बार क्यों कही तुमने? मैं महिलाओं की इज्जत करना और उनको मान सम्मान देना बहुत अच्छे से जानता हूं बुलबुल, और इसीलिए नहीं क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं, इसीलिए क्योंकि यही मेरी परवरिश है और यही परवरिश मेरे सिद्धांत भी है बुलबुल। क्या लगा था तुम्हें? ऐसा लगा था कि बिना तुम्हारी मर्जी के, बिना तुम्हारी इजाजत लिए मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा? वीर प्रताप सिंह को इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान समझती हो तुम? नहीं थानेदार साहब, आप तो सबसे ज्यादा अच्छे, आपके साथ होती हूँ तो हमारे को सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं डर गई थी क्योंकि मैं बालिग नहीं हूँ और हमारे बीच अगर कुछ हुआ तो उसका सीधा असर आप पर, आपकी आपकी वर्दी पर पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जिस दिन भी इस रिश्ते से और इस शादी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहो ना, मुझे बस एक बार कह देना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और फिक्र मत करो, आजादी के तुम्हारे उस रास्ते पर मैं किसी को उसकी अड़चन बनने भी नहीं दूंगा। आजाद हो जाओगी तुम, बस वीर प्रताप सिंह को ये बात एक बार कह देना। सच्ची? ठीक है, बोल दूंगी। इतना आसान है बुलबुल, तुम्हारे लिए रिश्ता मैं कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हें और इस रिश्ते को मैं कितना गलत समझता। मासा, आप हमारे को बुला लेते? ये गहने और ये साड़ी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। इस साल से पहले पहले लल्ला को आना है ना, तो तुम्हारे और वीर के पास तो ज्यादा समय ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है ना, कि जो पत्नी होती है ना उसे ना हमेशा सज धज के रहना चाहिए, इतना सुंदर दिखना चाहिए कि पति जो है उसकी निगाह अपनी पत्नी से हटे ही नहीं, कहीं ना जाए, बस अपनी पत्नी के पास बैठा रहे, उसके साथ रहे और उसे उसे निहारता रहे।
तुम समझ गई ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ? क्या हुआ? इतना सोचने की जरूरत नहीं है और परेशान भी मत हो। जब तुम बिंदी बनकर आई थी ना तो मैं यहाँ थी ही नहीं, तो तुमसे लाड़ी भी लड़ा सकी। और वैसे भी अगर लल्ला आ जाएगा ना तो मेरे पास तो समय ही नहीं रहेगा तुमसे लाड़ लड़ाने का। मैं तो सारा समय सिर्फ लल्ला के साथ ही रहूंगी। फिर तुम शिकायत मत करना कि देखो मासा आप ना दादी बन गई तो अब आपके पास बिंदी के लिए बिल्कुल समय नहीं है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो वो आंखों में ना शायद कचरा चला गया है। कचरा? हाँ कचरा चला गया। अच्छा ये तुम्हें दिखाती हूँ, देखो हीरे का है। अच्छा है ना? पकड़। ये साड़ी मारे को तोहफे में दी। उन्होंने बोला कि अभी पहनो तो इसीलिए। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही गहरा रिश्ता बना लिया तुमने बाकी घर वालों के साथ। अब जब यहाँ से जाने की डेट के बारे में सोच लो ना तो मुझे बता देना, और साथ ही साथ ये भी सोच लेना उन्हें बाहर कैसे बोलूंगी। थानेदार साहब को लग रहा है मैं सच में ये घर छोड़कर जाने वाली हूँ, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे पूरे सपने में भी ऐसा ना सोच सकती। ताकत हो तो सब, आप तुम्हारे गले का फंदा बन गए। अब मैं आपको थानेदार साहब की कलाई पे कैसे बांधू? मैं ये भी नहीं बता सकती कि मासा ये क्यों चाहती। अले मिल गया आइडिया। पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग अव्वल हूँ। हेलो, नहीं नहीं सर आप फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। जय हिंद। जय बुलबुल, मुझे तुम्हारे बच्चों वाले खेल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा। थानेदार साहब आप ऐसे इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप डरते हो कि आप हार जाओगे हमारे से। इम, 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 बिल्कुल नहीं। मैं एसीपी वीर प्रताप सिंह हूँ। क्या हो रहा है? ओले, आप आ गए? वो आप तो हमारे से रूठे हो ना, तो इसीलिए मैंने आपका और हमारा दोनों का रोल कर लिया। पूछोगे नहीं क्यों? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। वो मारे को ना आपके साथ एक खेल खेलना था, पर आप तो हमारे साथ खेलोगे नहीं क्योंकि आप हमारे से हार जाओगे, इस बात का डर जो रहता है आपको। ओ प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तो फिर आप हमारे साथ ये खेल खेलो धागो दादो सा वाला। मैं जब तक तुम्हारे साथ ये सिली सा गेम नहीं खेलूंगा तो मुझे ना सोने दोगी ना बैठने दोगी, कुछ नहीं करने दोगी ना। ओके फाइन, क्या करना है? ये हुई ना बात। देखो तो मैं सबसे पहले धागो दादू सा को ऐसे करूंगी और मैं बोलूंगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। और जैसे ही मैं भागा बोलूंगी आपको अपनी कलाई इसमें से बाहर निकालनी है ताकि आप जीत जाओ, ठीक है? समझ गए? रॉकेट साइंस नहीं है जो इतना मुश्किल होगा। साइंस तो सारा ना कठिन ही होता है, इसीलिए मारे को तो होम साइंस ही पसंद है। चलिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। तुमने चोर निकल के भागा से पहले ही धागा कस दिया। चीटिंग नहीं, वो तो बना और खेल में ऐसे चलता। आ,
जैसे अभी हमारी चीख ने आपको बुद्धू बना दिया।